से मांग करता है इस नवसूत्री मांगों पर आप गंभीरता पूर्वक विचार करें, हमारे जायज मांग को पूरा करें, नहीं तो जनप्रतिनिधि का यह जन आंदोलन जो राज्यव्यापी होने हो रहा है वह और भी कलाकारों अख्तियार करे। हम सरकार से मांग करते हैं कि सांसद और विधायक को आप मासिक वेतन दे रहे हैं, आजीवन पेंशन दे रहे हैं। हम पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधि शहरी वार्ड पार्षद आपसे ज्यादा जवाबदेही के साथ अपने कार्य क्षेत्र की जनता के प्रति समर्पित रहते हैं। हम चुनाव में किसी कारणवश अगले बार पिछड़ भी जाते हैं, फिर भी उस वार्ड की जनता कहती है कि हम नेता आप ही को मानते हैं और हमको उनकी सेवा लगातार और बढ़ाए, फिर भी नहीं है, फिर भी करते रहना पड़ता है। इसलिए हमारी मांग है कि आप हमें पंचायती राज के सभी जनप्रतिनिधियों को वार्ड शहरी वार्ड पार्षद सभी को जो है मासिक नियत भत्ता जो है हमको बंद करके और मासिक वेतन और पेंशन देने का प्रबंध किया जाए। ये नौ सूत्री मांग है, इन्हीं मांगों के समर्थन में आज सीतामढ़ी का महाकालय देवता पर सीतामढ़ी के समर्थता के समक्ष हम लोग एक दिवसीय सामूहिक व्यवहार का कार्यक्रम निर्धारित किए हैं। यह संदेश है कि सरकार करे, हमारी आवाज को सुने, हमारी मांग को पूरा करे। बहुत बहुत धन्यवाद। उसकी प्राथमिकता सूची वार्ड सदस्यों को नहीं दी जा रही है, उसमें उसकी पात्रता कौन रखता है या नहीं रखता है इसका सत्यापन वार्ड सदस्यों से नहीं कराया जा रहा है, जिसके लिए हम वार्ड सदस्य अपने आप को निश्चिंत महसूस करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची हमको उपलब्ध कराई जाए और उसमें जो लाभुक चयनित है उसमें पात्र कौन है और कौन नहीं है इसका सत्यापन वार्ड सदस्यों से कराने के उपरांत ही कार्य को गति दिया जाए, उसके खाता में राशि भेजा जाए। मनरेगा की योजना है, वार्ड से मजदूरों का पलायन हो रहा है, लेकिन हम किसी मजदूर को मजदूरी में नहीं लगा पा रहे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि वार्ड स्थित विकास के कार्य जो भी होने वाला है हो रहा है उसके ऑर्डर स्क्रीन पर वार्ड सदस्यों का हस्ताक्षर हो, उसके जो मास्टर जो है भुगतान उस पर वार्ड सदस्यों का हस्ताक्षर हो, इसके बाद ही भुगतान हो सके, नहीं तो अभी मजदूर के बदले जेसीबी कार्य कर रहा है, मजदूर बेरोजगार होकर पलायन कर रहा है, दूसरे स्टेट में पेट भरने के लिए जा रहा है और यहाँ जेसीबी से फर्जी कार्य दिखा करके कार्य को संपादित किया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमें वार्ड का हक अधिकार वहाँ पर दीजिए। पंचायती राज संस्था के जो भी जनप्रतिनिधि वार्ड सदस्य निवर्तमान कार्यकाल का हो या वर्तमान कार्यकाल का है, इसके अलावे स्थानीय नगर पार्षद जो है उनके जनप्रतिनिधि है, पंचायती राज संस्था के जनप्रतिनिधियों में माननीय मुखिया और पंचायत समिति सदस्य हैं, सब लोगों का मासिक नियत भत्ता लंबे अरसे से बकाया है, दो बरस तीन बरस का बकाया है। ऐसे परिस्थिति में हमें अपना वाजिब मासिक नियत भत्ता भुगतान नहीं हो रहा है, हमें पेट में आग लगा हुआ है। उसकी प्राथमिकता सूची वार्ड सदस्यों को नहीं दी जा रही है, उसमें
उसकी पात्रता कौन रखता है या नहीं रखता है इसका सत्यापन वार्ड सदस्यों से नहीं कराया जा रहा है, जिसके लिए हम वार्ड सदस्य अपने आप को निश्चित महसूस करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची हमको उपलब्ध कराई जाए और उसमें जो लाभुक चयनित है उसमें पात्र कौन है और कौन नहीं इसका सत्यापन वार्ड सदस्य से कराने के उपरांत ही कार्य को गति दिया जाए, उसके खाता में राशि भेजा जाए। मनरेगा की योजना है, वार्ड से मजदूरों का पलायन हो रहा है लेकिन हम किसी मजदूर को मजदूरी में नहीं लगा पा रहे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि वार्ड निश्चित विकास के कार्य जो भी होने वाला है हो रहा है उसके ऑर्डर स्क्रीन पर वार्ड सदस्यों का हस्ताक्षर हो, उसके जो मास्टर है भुगतान उस पर वार्ड सदस्यों का हस्ताक्षर हो, इसके बाद ही भुगतान हो सके। नहीं तो अभी मजदूर के बदले जेसीबी कार्य कर रहा है, मजदूर बेरोजगार होकर पलायन कर रहा है, दूसरे स्टेट में पेट भरने के लिए जा रहा है और यहाँ जेसीबी से अर्जी कार्य दिखा करके कार्य को संपादित किया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमें वार्ड का हक अधिकार वहाँ पर दीजिए। पंचायती राज संस्था के जो भी प्रतिनिधि वार्ड सदस्य निवर्तमान कार्यकाल का हो या वर्तमान कार्यकाल का है, इसके अलावे स्थानीय नगर पार्षद जो है उनके जनप्रतिनिधि है, पंचायती राज संस्था के जनप्रतिनिधियों में माननीय मुखिया और पंचायत समिति सदस्य हैं, सब लोगों का मासिक नियत भत्ता लंबे अरसे से बकाया है, 2-3 बरस का बकाया है। ऐसे परिस्थिति में हमें अपना वाजिब मासिक नियत भत्ता भुगतान नहीं हो रहा है, हमें पेट में आग लगा हुआ है। समाहरणालय स्थित अम्बेडकर स्थल पर आज सीतामढ़ी जिला के वार्ड सदस्यों का एक दिवसीय सामूहिक उपवास महाधारणा कार्यक्रम चल रहा है। आज के कार्यक्रम में हम 9 सूत्री मांगों पर अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि आप हमारी बातों को सुने और हमारी जो समस्या है उसका आप निदान करें। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना अंतर्गत अंश जो वार्ड स्थित पक्की गली नाली का कार्य था वह वार्ड सदस्यों से छीन लिया गया है, यानी वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति की बैंक खाता में 1 पैसा भी इस बार नहीं दिया गया। 4 महीने से मतग्रंथ हो गया, अभी तक किसी भी वार्ड में एक भी कार्य शुरू नहीं हुआ। अब सरकार से यह मांग करते हैं कि आप उस निर्णय को वापस ले और पुनः वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति की बैंक खाता में मुख्यमंत्री निश्चय योजना की राशि भेजे, जिससे हम पक्की गली नाली का निर्माण करा सके। दूसरा है जो 15वीं वित्त की राशि जो ग्राम पंचायत को दी गई है, पंचायत समिति को भी दी गई है, जिला परिषद को भी दिया गया है, उस ग्राम पंचायत के जो राशि है उसमें वार्ड के विकास के लिए कर्णांकित है, लेकिन आज तक वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति के बैंक खाता में 1 पैसा भी नहीं दिया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति के बैंक खाता में भी राशि भेजा जाए और वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव को दोनों
भुगतान करने हेतु